أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم I am Sambar Ahmed Okay now I start GK question answer What is the name of our country Our country name is Pakistan Who is the founder of Pakistan قائد اعظم محمد علی جناح What is the capital of Pakistan Islamabad What is the national language of Pakistan Urdu What is the national game of Pakistan Hockey Name the national animal of Pakistan, Marhor. Name the national bird of Pakistan, Chakor. How many days in a week? There are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is a holiday. तो बच्चों आप लोग को परेशान नहीं होना है कि इतने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कैसे करेंगे. हम इसे रोज़ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, याद करेंगे तो हमें ये आसानी हो जाएगी. ठीक है. ओके फिर हम आते हैं अपने बेसिक शेप्स की तरफ. तो हमारे पास 4 बेसिक शेप्स हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. ओके आज हम आ जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ. इन आउट, इन आउट. देखिए पहले आपने बास्केट में कैट देखी अंदर की तरफ बैठी हुई है, तो ये है इन. आउट मीन्स कि जो हमारी कैट है वो बास्केट से बाहर है, तो ये हो गया आउट. ठीक है. तो आपने इसकी अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है. इन आउट, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज भी समझाया था कि हमारे पास एक बास्केट है या बैग है. बैग में हम लोगों की बहुत सारी कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं. तो वो क्या है, कॉपीज़ और बुक्स आपकी इन है, बैग के अंदर हैं. ठीक है. और अगर यही हम सारी कॉपी किताबें बाहर निकाल देते हैं बैग से, तो वो हो जाता है आउट. फिर हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. हैंड, थंब, फिंगर. हैंड, थंब, फिंगर. ठीक है. हैंड, थंब, फिंगर एंड फिंगर नेल्स, ये 4 नेम हैं जो हम डन करेंगे. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बॉडी पार्ट्स को, हम और भी बॉडी पार्ट्स को हम याद करेंगे. फिर हम आते हैं अपने पोएम की तरफ. तो हमारे पास है टेडी बियर. टेडी बियर, टेडी बियर टर्न अराउंड. टेडी बियर, टेडी बियर टच द ग्राउंड. टेडी बियर पॉलिश योर शूज़. टेडी बियर गो टू स्कूल. तो हमारे पास ये जितनी भी पोएम्स हैं, टेडी बियर, ट्विंकल ट्विंकल, और उर्दू में हमारे पास जो नज़म है अब्बू लाए मोटर कार, बिल्ली मैंने पाली है, तो आपने इसको यूट्यूब से सर्च करना है. ओके विद योर मामा बाबा, आपने किसी के साथ भी इसको आपने ओपन करवाना है किसी बड़े से, और फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब हम आते हैं जानवरों के नामों की तरफ. तो हमारे पास है हाथी, बकरी, शेर, बंदर, ऊंट, जिराफा. तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कार्ड्स दिखाऊंगी और आप लोगों से मैं फिर पूछूंगी इन जानवरों के क्या नाम है. ओके नाउ टेक योर इस्लामियात बुक, पेज नंबर 1. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह. तर्जुमा है इसका, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. तो हम ये रोज़ याद करेंगे, जैसे कि हम ये रोज़ पढ़ भी रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में भी. इंशाल्लाह स्कूल ओपन हो जाएंगे तो उसमें भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो एक अल्लाह ताला के नाम पर हमारे पास उसके कुछ सवाल जवाब हैं. सीनियर चढ़ते हमें अल्लाह अकबर पढ़ना है, सीनियर उतरते हमें सुबहान अल्लाह पढ़ना है. तो हमने इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है. अच्छा अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रेसिंग की तरफ. तो ये हमारे पास कुछ है, जैसे कि हमारे ऊपर एल लिखा, 1 लिखा है. आप इसको एल करते हैं, आप इसको राउंड में कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं. ये इंस्ट्रक्शन मैं स्पेशली मदर्स को दे रही हूँ ताकि बच्चा उसमें जो है रोज़ की ट्रेसिंग करें. ठीक है. ताकि उनको ग्रिप अच्छी हो, उनकी पेंसिल की होल्ड अच्छे से कर सकें और वो ट्रेसिंग सही से कर सकें और उनको ट्रेस करना आ जाए. उनको आपको हमें समझाना है, जैसे कि मैं समझाती हूँ कि डॉट टू डॉट काम करना है, डॉट से आगे पीछे अपनी पेंसिल नहीं करनी है. तो इस तरह से बच्चों को आप कोई भी शेप बना दें, सर्कल बना दें, 1 बना दें, और कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी बना के दे सकते हैं आप उसे, ताकि बच्चे को ट्रेसिंग करना आ जाए. ओके अब हम आते हैं अपनी मैथ्स की तरफ, पेज नंबर 12, क्योंकि 11 तक हम डन कर चुके हैं. नंबर 1 हमारा डन हो चुका है. अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ. काउंट अराउंड एंड से द नंबर विद पिक्चर्स. ठीक है. आपका एक पिक्चर दी हुई है, आपने इसको काउंट करना है. जैसे कि एप्पल्स हैं, 2 एप्पल्स हैं, 1 2, 2 एप्पल, 2 डक्स, 2 फ्रॉग एंड 2 बनानास. ये आपका क्लास वर्क था, पेज नंबर 13. 2, आपने 2 को ट्रेस करना है. ट्रेस एंड लर्न, आपने साथ साथ ट्रेस करना है और साथ साथ आपने इसको लर्न करना है, बार बार दोहराना है, याद करना है. 2
टू इज राउंड एंड सिट डाउन, टू इज राउंड एंड सिट डाउन, ठीक है। ओके, दिस इज योर होमवर्क, पेज नंबर इज 14, काउंट एंड ट्रेस नंबर 2। हमारे पास हॉर्स हैं, हॉर्स 1 2, ठीक है, तो हम नंबर 2 की स्पीक प्रैक्टिस करेंगे। हम आते हैं अपनी मैथ कॉपी की तरफ, पेज नंबर 9, काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट, टू पेंसिल्स, टू ट्राइंगल्स, टू लीव्स, टू डॉग्स। ओके, आपने तो सबसे पहले क्या करना है, जब हम अपना क्लास वर्क या होमवर्क स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपने क्या करना है, अगर हम सी डब्ल्यू कर रहे हैं तो आपने सी डब्ल्यू में ऐसे टिक लगाना है, और अगर हम एच डब्ल्यू कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, और आप लोगों ने उसमें फिर एच डब्ल्यू पर टिक लगाना है, और ये आपने ज़रूर करना है, और डेट लाजमी लिखनी है, ठीक है। जैसे कि 23 है तो आपने 23 लिखा। काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट, पेज नंबर इज 10, पेज नंबर 9 आपका क्लास वर्क है, इसमें आपने कलर करना है और उसको लर्न करना है, और ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ पेज नंबर 10, इस पर आपने कलर करना है, टू कैरेट्स, टू बैट, टू एग्स, टू लैम्प, टेक आउट योर फोनिक लैंग्वेज। पेज नंबर इज 9, ओ, इसको हम पढ़ेंगे ओ, ओ नहीं पढ़ेंगे ओ, इसका हम जो इस लेटर का जो साउंड है वो है ओ, ऑरेंज, ऑक्टेगन, ऑस्ट्रिच, ऑक्टोपस, ठीक है। तो आपने इसको भी बहुत अच्छे से, ये सी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब ही है कि हमने सी डब्ल्यू में क्लास में ऑनलाइन क्लास में भी हमने यही याद किया है, और एच डब्ल्यू भी आपको दे रही कि आपने घर में इसको और अच्छे से याद करना है, ओ इस राउंड, ठीक है। तो ये देखें गोल सर्कल बना हुआ है ना, पेज नंबर 10 आपको क्लास वर्क दिया था ऑरेंज, एंड पेज नंबर आपके पास है 11, ठीक है। तो आपको ये मैंने होमवर्क दिया है, से द पिक्चर्स नेम विद साउंड अलाउड एंड कलर, ठीक है। से द पिक्चर्स नेम विद साउंड अलाउड एंड कलर मीन्स आपने पिक्चर का नाम लेना है और आपने इसमें कलर करना है, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऑक्टोपस, ऑरेंज, ऑक्टोपस, ठीक है। देखिए पेज नंबर 12 से आपका ये है क्लास वर्क था, से द साउंड अलाउड इन ट्रेस, स्टार्ट विद द पॉइंट, ओके, आपने पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसको ऐसे ही डॉट 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 के ऊपर आपने इसको सर्कल कर देना है। पेज नंबर 13, दिस इज योर होमवर्क, ट्रेस एंड कलर, ऑरेंज, ऑक्टोगन। ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम। तो हमें सबसे पहले कुछ प्रिंटर पेपर चाहिए होंगे, ठीक है, लिक्विड ग्लू या ग्लू स्टिक, एंड वन सीजर। अब हम क्या बनाने वाले हैं, आइसक्रीम। अब आइसक्रीम क्रीम क्या करेंगे कि हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में ये एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, और इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो उसमें भी हम बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे, बहुत से क्राफ्ट करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसे एक ब्राउन पेपर लेंगे, उसको ये कोन की शेप दे देंगे, ठीक है। आप जब इसको कोन की शेप देंगे, आप इसको पहले सर्कल कर देंगे, सर्कल के बाद इसको कोन शेप देंगे, शेप देने के बाद आपको एक ग्लू स्टिक नज़र आ रही है, इस कोन के साइड में हम इसे लगाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक आपने ये शेप बनाया डी शेप, फिर आपने 3 सर्कल्स बनाए, और आईज़ के लिए बनाए स्माइली फेस बनाया, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये चीज़ें अपने पास देखनी है इसे, और इसको देख के हम इस तरह से बनाएंगे कि हमने जो कोन बना दिया था, अब हमने कोन के ऊपर ये 2 जो स्कूप्स बना दिए, ठीक है। तो ये हमारी कोन कंप्लीट होगी, हैप्पी कोन कंप्लीट होगी, जैसे कि मैंने आप लोग को हैप्पी एंड सैड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हैप्पी किसे कहते हैं और सैड किसे कहते हैं। तो ये हमारा हैप्पी फेस कोन आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह इसी तरह से हम और भी बनाते जाएंगे, और ये आपके नंबर्स काउंट होंगे, ठीक है। आई नो कि आप लोग बहुत छोटे हैं, अकेले नहीं कर पाएंगे, पर आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, मम्मा से, बाबा से, सिस्टर से, ब्रदर से, किसी से भी, आप किसी बड़े से घर में आप हेल्प लें, और जो है आपको सर्कल कर देंगे, आपको कटिंग कर देंगे, और आप उसको पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो फिर मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।